an interesting topic related to nursing competitive exam, psychiatric aspect of management. अपन बात करें कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम में सबसे पहले जो ट्रीटमेंट यूज किया जाता था उसके अकॉर्डिंग स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं कि मैनेजमेंट ऑफ दी साइकेट्रिक. तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि इन 1900 टू 1930 मैनेजमेंट ऑफ दी साइकेट्रिक प्रॉब्लम ट्रीट बाय दी सम मेडिकेशंस that may produce convulsion or coma by the camphor cardiazol or metrazol drug इन ड्रग्स को यूज किया जाता था 1900 टू 1300 इन द प्रोड्यूस ऑफ आर्टिफिशियली कन्वर्जन एंड कोमा. अपन बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जो ट्रीटमेंट यूज किया गया था वो 1900 से 1930 तक बाय दीज ड्रग कैंफर कार्डियाजोल एंड मेट्रोजोल के द्वारा एक साइकेट्रिक पेशेंट में जिसको डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी उसमें कन्वर्जन और कोमा को प्रोड्यूस करने के लिए इन ड्रग्स को यूज किया गया था. अपन नेक्स्ट बात कर रहे हैं कि उसके बाद इन 1933 में साइंटिस्ट साकेल ने इंसुलिन को डिस्कवर किया और सबसे इन ड्रग्स के बाद में उन साइकेट्रिक डिप्रेसिव पेशेंट को ट्रीट करने के लिए इंसुलिन को यूज में लिया जाने लग गया. अब अपन बात कर रहे हैं कि इंसुलिन की जो प्रोसेस थी वो किसके अकॉर्डिंग थी. अपन बात कर रहे हैं कि सिज़ोफ्रेनिया में कैटाटोनिक स्टुपर एक टाइप है सिज़ोफ्रेनिया का. कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया को अपन ट्रीट करने के लिए यूज में लेते थे इंसुलिन को, क्योंकि कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया के अंदर कैटाटोनिक एक्साइटमेंट इसके अंदर पेशेंट बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता था, वॉयलेंट हो जाता था. इस कंडीशन में पेशेंट को अपन को शांत करने के लिए जो ट्रीटमेंट यूज में लिया जाता था वो था इंसुलिन. क्योंकि अपन बात करें इंसुलिन की, तो इंसुलिन को 1933 में डिस्कवर करने के बाद इस इंसुलिन को हाइपरवॉयलेंट पेशेंट को इंसुलिन को क्या दिया जाता था, आईवी रूट से इंसर्ट करवाया जाता था टू पेशेंट. तो इंसुलिन देने के बाद पेशेंट इन हाइपो ग्लाइसीमिया, पेशेंट को क्या हो जाता था, हाइपोग्लाइसीमिया, मींस उसका ग्लूकोज लेवल कम हो जाता था. ग्लूकोज लेवल कम होते ही पेशेंट किसमें चला जाता था, कोमा में. कितने टाइम के लिए, 4 to 3 hours, 2 से 3 घंटे के लिए पेशेंट चला जाता था कोमा में. उसके बाद पेशेंट को अब अपन को रिकवर करना है, पेशेंट को वॉकअप करना है. अब पेशेंट को अपन डेक्सट्रोज देंगे, क्योंकि अभी उसके ब्रेन को ग्लूकोज सप्लाई कम हो रही थी. तो पेशेंट को डेक्सट्रोज D25, डेक्सट्रोज 50% आईवी रूट से दिया गया. उसके बाद अपन बात कर रहे हैं देने के तुरंत बाद पेशेंट खड़ा होने लग गया. इट मींस पेशेंट का ग्लूकोज लेवल बढ़ गया, इट मींस पेशेंट वापिस नॉर्मल.
अपन बात करें कि एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट, इमरजेंसी कंडीशन को, सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए अपना सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट था इंसुलिन, क्योंकि इसमें पेशेंट की एक्साइटमेंट को क्या कर दिया जाता था, रिलीव कर दिया जाता था, पेशेंट शांत हो जाता था, पेशेंट का ग्लूकोज लेवल कम कर दिया जाता था और पेशेंट को वापिस उसको नॉर्मल करने के लिए, कॉन्शियस करने के लिए अपन उसको डेक्सट्रोज लगा रहे थे और पेशेंट वापिस नॉर्मल हो रहा था। इसके बाद अपना टॉपिक है नेक्स्ट ईसीटी, क्योंकि अपन बात करें कि इंसुलिन के बाद दो वैज्ञानिकों ने यूगो कर्टेनी और ल्यूसिन बिनी, ईसीटी, उसके बाद डिस्कवर हुआ मैनेजमेंट साइकेट्रिक का ईसीटी। ईसीटी की अपन बात करें तो सबसे पहले 1937 में ईएसटी को डिस्कवर किया गया। ये क्या था ईएसटी? इलेक्ट्रिव शॉक थेरेपी। इसके अंदर क्या किया जाता था कि पहले अपन बात करें, थोड़ा बैक जा रहे हैं कि अपन साइकेट्री की हिस्ट्री पे जा रहे हैं, तो सबसे पहले इसको चार पीरियड में डिवाइड किया गया था। चार पीरियड की अपन बात करें तो सबसे पहला जो पीरियड था, पीरियड ऑफ प्रोसिक्यूशन, जिसमें पेशेंटों पे शक किया जाता था कि उसमें किसी बुरी आत्मा या बुरी एविल का उसके ऊपर साया है। फिर दूसरा पीरियड आया पीरियड ऑफ सेग्रेशन। फिर तीसरा पीरियड आया पीरियड ऑफ ह्यूमंटीरियन। और चौथा पीरियड पीरियड ऑफ साइंटिफिक पीरियड। तो अपन बात करें कि इस दौरान उन पेशेंटों को, पहले जो भी साइकेट्रिक पेशेंट होते थे, उन पेशेंटों को एसाइलम में क्या कर दिया जाता था कि एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता था। और यहाँ पे एक अपना कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट एसाइलम जहां पे साइकेट्रिक पेशेंट को रखा जाता था वो कौन सा था? बैथलम एसाइलम। और बैथलम एसाइलम जो था वो कहां पे था? इन इंग्लैंड। बैथलम एसाइलम कहां पे था? इंग्लैंड। अपन यहां पे बात कर रहे हैं नेक्स्ट कि इन पेशेंटों को, कुछ 100 पेशेंट थे साइकेट्री के, तो इन 100 पेशेंट्स को देखा गया। तो वैज्ञानिकों ने देखा कि इन 100 में से 5 पेशेंट को क्या आ रहे हैं, कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी हो रही है, जैसे उनकी बॉडी में वाइब्रेशन हो रहा है कुछ टाइम के लिए और पेशेंट अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर रहा है। उसके बाद फिर वापस पेशेंट जब खड़ा हो रहा है, क्योंकि अपन बात कर रहे हैं एपिलेप्सी कन्वर्जन पीरियड चल रहा था उनमें, उसके बाद पेशेंट जब वापस खड़ा हो रहा था तो पेशेंट के अंदर उसके साइकेट्रिक प्रॉब्लम में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट दिख रहा था। तो इस चीज के ऊपर साइंटिस्ट ने दोबारा रिसर्च की कि इन्हीं पेशेंटों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। अंडर ऑब्जर्वेशन रखने के बाद उन पेशेंटों में रेगुलर कन्वर्जन और कोमा की स्टेज आती गई। इस कन्वर्जन के कारण अपन बात करें पेशेंट में रेगुलरली इंप्रूवमेंट देखा गया। तो साइंटिस्ट ने सोचा कि क्यों ना इनको हम आर्टिफिशियली, इस तरीके की बाकी बचे 95 पेशेंट को आर्टिफिशियली अपन कन्वर्जन प्रोड्यूस करें ताकि इन पेशेंट में भी इंप्रूवमेंट होना स्टार्ट हो जाए। तो उन्होंने सेलेक्ट किया इलेक्ट्रिक सिस्टम को, क्योंकि अपन बात करें कि जो करंट अपन प्रोड्यूस करेंगे वो अपन प्रोड्यूस करेंगे लाइट के द्वारा, मींस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के द्वारा। तो इलेक्ट्रिकल के द्वारा आर्टिफिशियली करंट को प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहले 1937 में इलेक्ट्रिक शॉक थेरेपी को यूज किया गया, जिसमें डायरेक्ट वायर्स को कनेक्ट किया गया पेशेंट के ब्रेन के साथ, उसके टेम्पोरल लोब के साथ। उसके बाद इसके अंदर इंप्रूवमेंट हुआ। इंप्रूवमेंट करने के बाद ये नाम चेंज हो गया इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी। इलेक्ट्रो कन्वल्सिव थेरेपी में चेंज कर दिया। तो अभी अपन नाम पढ़ते हैं ईसीटी, क्योंकि पहले आया था ईएसटी और फिर आया था ईसीटी। तो अपन बात करें ईसीटी की खोज कब हुई थी, 1938 में। किसने की थी? दो साइंटिस्ट, ल्यूसिनो बिनी और सेकेंड वन ह्यूगो कार्लेटी।
दो साइंटिस्ट ने ईसीटी की खोज कर दी 1938 में। तो यह साइकेट्री के अंदर एक क्रांतिकारी कदम था, क्योंकि पेशेंटों को सबसे ज्यादा इससे ट्रीट किया जाने लग गया। वो उन पेशेंटों को ट्रीट कर किया जाने लग गया जो पेशेंट डिप्रेशन में थे, डिप्रेसिव पेशेंट थे, सुसाइडल टेंडेंसी के पेशेंट थे, कैटाटोनिक सिज़ोफ्रेनिया के पेशेंट थे, उन पेशेंटों को ट्रीट किया जाने लग गया ईसीटी से। तो अब अपन सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ईसीटी, ईसीटी के टाइप, ईसीटी का अपन बात करें कि ये फ्रीक्वेंसी कितने वोल्टेज देते हैं, कितने टाइम के लिए देते हैं, क्योंकि ईसीटी जो है वो अपने कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब अपन सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं ईसीटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि प्रीवियसली एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं ईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चन, विच ऑफ द कंडीशन, सबसे पहले मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं। सो इंटरेस्टिंग टॉपिक, इजी टॉपिक। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं विच ऑफ द कंडीशन इज नोन टू हैव द बेस्ट रिस्पॉन्स ऑफ ईसीटी। तो ईसीटी का सबसे बेस्ट रिस्पॉन्स किन कंडीशन में मिलता है, तो अपन बात करते हैं डिप्रेशन विद सुसाइडल टेंडेंसी के पेशेंट में। तो इसका मतलब ईसीटी किसके लिए सबसे बेस्ट यूजफुल है, सुसाइडल और डिप्रेसिव पेशेंट के लिए ही यूजफुल है। मेनिया की कंडीशन में इसको यूज नहीं कर सकते, सिज़ोफ्रेनिया में इसको यूज नहीं करते हैं, ओनली फॉर डिप्रेसिव एंड सुसाइडल टेंडेंसी पेशेंट। इसका मतलब अपने को अपना पर्पज मिल गया है कि ईसीटी का डायरेक्टली यूज कहां होता है, इन केस के अंदर होता है, और इससे रिलेटिव बहुत अपन से कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन में एग्जाम में अपन से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अब अपन पढ़ रहे हैं ईसीटी, ईसीटी की बात करें तो सबसे पहले टेक्निक, ईसीटी की टेक्निक, टेक्निक के अंदर अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले कि ईसीटी जो है उसको दो तरीके से लगाया जाता है, ईसीटी को दो तरीके से लगाया जाता है। इसके अंदर अपन बात करें तो अपने पास एक होती है इलेक्ट्रियो मशीन, इससे निकले होते हैं इलेक्ट्रोड, और इलेक्ट्रोड के आगे लगे होते हैं पैड, और इन पैड को लगाया जाता है पेशेंट के ब्रेन के दोनों टेम्पोरल लोब के। तो पहले आई जो ईसीटी थी वो थी यूनिलैटरल ईसीटी, बाद में आ गई बाइलैटरल ईसीटी। तो ईसीटी जिसमें दोनों के दोनों पेड एक साथ यूज होते हैं और एक ही रीजन पे यूज होते हैं, दोनों सेम रीजन पे यूज होते हैं, वो तो थी बाइलैटरल, और जो एक पैड टेम्पोरल पे यूज हो रहा था और दूसरा सेंट्री पेराइटल पे यूज हो रहा था वो थी यूनिलैटरल ईसीटी। तो अपन बात करें कि आज कौन सी ईसीटी को यूज किया जा रहा है, बाइलेटरल ईसीटी को यूज किया जा रहा है। बाइलेटरल का दूसरा नाम अपन बात करें तो इनडायरेक्ट ईसीटी, तीसरा अपन बात करें तो मॉडिफाइड ईसीटी, तीन नाम थे मॉडिफाइड ईसीटी। तो सबसे बेस्ट ईसीटी बाइलेटरल ईसीटी। पहले के टाइम की अपन बात कर रहे हैं तो पहले क्या था, यूनिलैटरल ईसीटी यूज करते थे और डायरेक्ट ईसीटी यूज करते थे। डायरेक्ट की मैं बात करूं, सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं टेक्निक, टेक्निक में दो टेक्निक, नंबर वन डायरेक्ट और नंबर टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या किया जाता था कि पेशेंट जो डिप्रेसिव पेशेंट था उस पेशेंट को डायरेक्टली, पेशेंट को डायरेक्टली इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते थे, बिना कोई ऑक्सीजन प्रोवाइड किए, बिना कोई मसल रिलैक्सेंट दिए, बिना कोई एट्रोपाइन या बिना कोई और सिडेशन दिए, पेशेंट को डायरेक्टली डायरेक्टली इलेक्ट्रोड से ईसीटी दे दी जाती थी, जिससे पेशेंट में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ जाते थे। तो अपन बात करें तो ये पहले के टाइम में चलती थी डायरेक्ट ईसीटी। दूसरी आजकल जो ईसीटी चलती है वो है इनडायरेक्ट ईसीटी। तो इनडायरेक्ट ईसीटी कौन सी ईसीटी थी, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है कि इसमें पेशेंट को सबसे पहले एट्रोपाइन दिया जाता है, फिर पेशेंट को सक्सिनाइल कोलीन दिया जाता है, फिर पेशेंट को ऑक्सीजन दिया जाता है, उसके बाद पेशेंट को ईसीटी लगाई जाती है, और उसके बाद पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव रूम में भी रखा जाता है कि जब तक कि वो वापस पेशेंट आधे से एक घंटे के अंदर पूरी तरह से अपनी मेमोरी को
रिकवर ना कर ले, क्योंकि एक सबसे बड़ा कॉम्प्लिकेशन है ईसीटी का, क्या? रिट्रोग्रेड एमनेसिया। तो ये अपने कॉम्पिटिशन में पूछा जाता है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी रिट्रोग्रेड एमनेसिया। तो अपन बात कर रहे हैं डायरेक्ट अपना कंप्लीट, दूसरी बात कर रहे हैं इनडायरेक्ट ईसीटी। तो जी इनडायरेक्ट ईसीटी क्या है? इनडायरेक्ट ईसीटी, इनडायरेक्ट ईसीटी की अपन बात करें तो सबसे पहले पेशेंट को एट्रोपाइन इंजेक्शन इंजेक्ट, एट्रोपाइन इंजेक्शन लगाते हैं 0.6 डोज की बात करें तो 0.6 to 1.0 mg एट्रोपाइन लगाया। एट्रोपाइन इंजेक्शन लगाने के बाद पेशेंट को दूसरा अपन बात कर रहे हैं कि पेशेंट को लगाते हैं सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन, सक्सिनाइल कोलिन इज मसल रिलैक्सेंट इंजेक्शन। सक्सिनाइल कोलिन लगाया, इट इज मसल रिलैक्सेंट, मसल रिलैक्सेंट लगाने के बाद पेशेंट को स्टॉप थ्री सक्सिनाइल कोलिन जो है वो 0.5 ml एडमिनिस्टर करते हैं पेशेंट को फॉर मसल रिलैक्सेंट, ताकि मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ना हो। नेक्स्ट वन उसके बाद अपन यूज करते हैं सोडियम थायो पेंटोल, सोडियम थायो पेंटोल की बात करें तो 4 to 6 mg कितने में, 5 to 10 ml के अंदर इसको यूज करेंगे। सोडियम थायो पेंटोल के बाद पेशेंट को साथ में क्या लगाएंगे, O2 ऑक्सीजन लगाएंगे। ऑक्सीजन लगाने के बाद पेशेंट को अपन प्रोवाइड करेंगे प्रोवाइड ईसीडी। ईसीडी लगाने के बाद अपन बात कर रहे हैं पेशेंट में क्या प्रोड्यूस होंगे, कन्वर्जन, कन्वर्जन प्रोड्यूस होंगे। और जो कन्वर्जन प्रोड्यूस होंगे अपन बात करें किस टाइप के कन्वर्जन प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर कंपटीशन। किस टाइप के, ग्रांडमल, ग्रांडमल सीजर। और ग्रांडमल सीजर की मैं बात करूं तो इसके अंदर सीजर की टोटल टाइप होते हैं 4, लेकिन अपन बात करें तो ग्रांडमल के अंदर 2 स्टेज इंक्लूड की जाती है, टोनिक एंड क्लोनिक, टोनिक एंड क्लोनिक फेज को इंक्लूड किया जाता है ग्रांडमल सीजर में। इट मींस ईसीटी लगाने के बाद 2 स्टेज प्रोड्यूस होगी, इट मींस अपनी ईसीटी जो है वो सक्सेस हो गई है। तो यहाँ पे टोनिक और क्लोनिक दोनों फेजेस आएंगी। और दैट इज इंपॉर्टेंट कि यह जो ग्रांडमल सीजर होता है ये कितने टाइम के लिए आना चाहिए, ये जो ग्रांडमल सीजर है इसका टाइम पीरियड जो है वो है 30 सेकेंड टू 90 सेकेंड, 30 से 90 सेकेंड तक ग्रांडमल सीजर का होना प्रोड्यूस है। इट मींस सक्सेसफुल, सक्सेसफुल ईसीटी, अपनी ईसीटी जो है वो सक्सेसफुली लग चुकी है। दैट इज प्रोसीजर फॉर इनडायरेक्ट ईसीटी। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट दी इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। नेक्स्ट इज इंडिकेशन ऑफ ईसीटी। अपन बात करें कि जो ईसीटी है वो किन किन कंडीशन में अपन यूज करते हैं, इंडिकेशन पर्पस ऑब्जेक्टिव, दैट इज सेम वर्ड। इंडिकेशन की अपन बात करें तो सबसे पहला सुसाइडल टेंडेंसी, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट बिकॉज कंफर्मेटरी, और जो अपन बात करें सबसे इंपॉर्टेंट जो यूज करते हैं वो सुसाइडल टेंडेंसी के अंदर यूज करते हैं। दूसरा मेजर डिप्रेशन में भी इसको यूज करते हैं। तीसरा अपन बात करें तो साइकोटिक डिप्रेशन में, साइकोटिक डिप्रेशन में। नेक्स्ट वन अपन बात करें तो बाइपोलर डिसऑर्डर में भी इसको यूज कर सकते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज कर सकते हैं। पोस्टपार्टम डिप्रेशन में भी यूज कर सकते हैं, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, बट अपन को याद रखना है ओनली ओनली फॉर सुसाइडल टेंडेंसी और सुसाइडल टेंडेंसी। और अगर बात करें साथ में तो सिजोफ्रेनिया, कौन से टाइप का सिजोफ्रेनिया, कैटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, दैट इज ऑब्जेक्टिव ऑफ ईसीटी। नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ ईसीटी, कि ईसीटी को किन किन कंडीशन में अपन यूज नहीं कर सकते। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो जी यहां पे भी बहुत इंपॉर्टेंट
अपन से कॉम्पिटेटिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आते हैं जी दो प्रकार के, एक तो होता है एब्सोल्यूट कॉन्ट्रा इंडिकेशन और दूसरा होता है रिलेटिव कॉन्ट्रा इंडिकेशन। एब्सोल्यूट का मतलब कि अगर ईसीटी की बहुत जरूरत है लेकिन फिर भी हम नहीं दे सकते, कि अगर पेशेंट में ये प्रॉब्लम है तो ईसीटी को हम दे ही नहीं सकते, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट। तो एब्सोल्यूट में सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना इंक्रीज आईसीटी, इंट्राक्रेनियल प्रेशर अगर बढ़ा हुआ है उस पेशेंट को हम ईसीटी नहीं दे सकते। इसके अलावा ट्रोमा ट्यूमर, ट्रोमा और ट्यूमर किसमें, ब्रेन में, अगर ब्रेन ट्रोमा है या ब्रेन ट्यूमर है उस केसेस के अंदर एब्सोल्यूटली कॉन्ट्रा इंडिकेशन है क्या ईसीटी। नेक्स्ट वन अपन रिलेटिवली बात कर रहे हैं, तो आरटीपीसीएल अगर किसी को पेसमेकर लगा हुआ है, रिलेटिवली आरटीपीसीएल पेसमेकर लगा हुआ है, मैकेनिकल इम्प्लांट है, मैकेनिकल इम्प्लांट कोई है, प्रेगनेंसी है, चिल्ड्रन है, उनको अपन क्या करते हैं अवॉइड करते हैं ईसीटी, दैट इज कॉन्ट्रा इंडिकेशन। नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं ईसीटी इज नॉट इफेक्टिव इन, ईसीटी इज नॉट इफेक्टिव इन, ईसीटी किन किन सिचुएशंस में इफेक्टिव नहीं है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं कि ईसीटी जो है वो किस में इफेक्टिव है, डिप्रेशन में, और डिप्रेशन किसका पार्ट है, साइकोसिस का, नॉट इज न्यूरोसिस। तो इसका मतलब इसके अंदर इफेक्टिव नहीं है, न्यूरोसिस में। दूसरी अपन बात करें एल्कोहलिज्म में, एल्कोहलिज्म के अंदर भी यह इफेक्टिव नहीं है। थर्ड वन अपन बात करें कोकीन यूज, कोई पेशेंट कोकीन यूज कर रहा है उसके अंदर अपन यूज नहीं कर सकते। इसके अलावा सिजोफ्रेनिया की कुछ एक टाइप है, सिंपल सिजोफ्रेनिया, हेबेपेनिक सिजोफ्रेनिया, इनके अंदर भी अपन यूज नहीं कर सकते, सिंपल एंड हेबेपेनिक सिजोफ्रेनिया के अंदर भी इसको यूज नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन आता है जी अपना कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी, सो मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन कॉम्पिटिशन में जरूर पूछते हैं जी। नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी, कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी अपन बात करें तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट जो अपने कंपटीशन के लिए है, दैट इज रिट्रोग्रेड एमनेशिया। रिट्रोग्रेड एमनेशिया क्या होता है जी, कि एमनेशिया मतलब लॉस ऑफ मेमोरी, कब रिट्रोग्रेड, कुछ टाइम के लिए पेशेंट क्या हो जाता है, भूल जाता है अपनी पहले की एक्टिविटी को, कि ईसीटी लगने के बाद आधे से एक घंटे तक पेशेंट को कुछ भी याद नहीं रहता है, कंफ्यूजन में रहता है। तो दैट इज फर्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी, दैट इज इंपॉर्टेंट, एक ही याद रखना है रिट्रोग्रेड एमनेशिया। इसके अलावा भी और है तो अपन बात करें तो फ्रैक्चर भी हो सकता है, क्योंकि बाइटेम्पोरल लोब पे लगाते हैं दोनों साइड में ईसीटी को, दैट मे बी प्रोड्यूस फ्रैक्चर। नेक्स्ट वन डिसलोकेशन ऑफ जा, डिसलोकेशन ऑफ जा, यहां पे अब अपन बात कर रहे हैं सम इंपॉर्टेंट। इसके अलावा नेक्स्ट वन टॉपिक इज अमाउंट ऑफ करंट, कि ईसीटी में कितना करंट लगना चाहिए, लोकेशन क्या होनी चाहिए, कौन से प्लेस पे लगाना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं वोल्ट की, तो वोल्ट क्या होना चाहिए, 72-130 वोल्ट। टाइम पीरियड कितना होना चाहिए जी, कितने टाइम के लिए लगानी चाहिए, 0.321 सेकंड तक अपन ईसीटी को लगाते हैं। बात करें लोकेशन की, तो लोकेशन दो प्रकार की है ईसीटी, यूनिलैटरल में एक साइड में टेम्पोरल लोब पे लगाया जाता है, जबकि बाइलैटरल में दोनों साइड में टेम्पोरल लोब पे ईसीटी के इलेक्ट्रोड को लगा दिया जाता है। तो अपन बात करें लोकेशन बाई टेम्पोरल लोब। नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं जी नंबर की, नंबर कितनी लगानी चाहिए, नंबर की अपन बात करें तो 3-5 इन ए वीक, कि एक वीक के अंदर साइकेट्रिक डिप्रेसिव पेशेंट जो है उसको एक वीक में 3-5 तक अपन ईसीटी को लगा सकते हैं। अगर अपन बात करें कि मिनिमम नंबर ऑफ ईसीटी की, मिनिमम कम से कम कितनी लगेगी ईसीटी, तो मिनिमम नंबर ऑफ ईसीटी जो है वो 5-7 हर पेशेंट को लगनी ही चाहिए। नेक्स्ट वन अपन बात करें मैक्सिमम, अगर कोई पेशेंट क्रोनिक डिप्रेसिव सिजोफ्रेनिया का पेशेंट है, क्रोनिक डिप्रेशन में है, उस पेशेंट को मैक्सिमम ईसीटी लगाई जा सकती है 20-24, 20 से लेकर 24
तक ईसीटी अपन उसको लगा सकते हैं अगर केस क्रोनिक डिप्रेसिव का है तो। नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं जी, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे रिलेटेड, कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं इससे रिलेटेड, तो आता है जी मोस्ट कॉमन यूज ऑफ ईसीटी इन हॉस्पिटल इनडायरेक्ट ईसीटी। दूसरी अपन बात कर रहे हैं कि सीजर के दौरान कौन सी पोजीशन प्रोवाइड की जाती है, तो पहले पोजीशन जो होती है वो सुपाइन होती है, और जैसे ही अपन इलेक्ट्रोड लगाने के बाद पेशेंट को हम साइड लेइंग पोजीशन जो है वो उसको प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि जो सीजर आएंगे उसके दौरान उसके माउथ से कुछ सीक्रेशन का प्रोडक्शन हो सकता है ताकि पेशेंट एस्पिरेट ना कर जाए, इसके लिए अपन उसको साइड लेइंग पोजीशन यूज करते हैं। दैट इज कंप्लीट ऑफ ईसीटी। थैंक यू।